46 जवानों की शहादत पर जम्मू बंद के चलते सर्दियों में आए कश्मीरी पत्थरबाजों ने जम्मू में चल रहे विरोध प्रदर्शन को हिंसक करने की कोशिश की। आपको बता दें कि दिन में 12 बजे के करीब विरोध प्रदर्शन जब गुर्जर नगर से गुजर रहा था, उसी समय भारी मात्रा में घरों के छतों से कुछ हिंसक पदार्थों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पत्रकारों के साथ साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी चोटें आईं। इसके साथ साथ कई गाड़ियों को भी क्षति पहुंची, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और रास्ते में पड़ी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू में ऐसा पहली बार देखा गया जब कश्मीरी युवकों द्वारा सिविलियन प्रोटेस्ट पर उग्र प्रदर्शन किया गया हो। इससे पहले पूरे जम्मू में जगह जगह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जैसे ही प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी की खबर वायरल हुई, वैसे ही प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। पुलिस ने भी समय रहते हालात को काबू में किया और शाम ढलते ढलते हालात सामान्य हो गए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप विचलित हो रहे होंगे और आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या इन पत्थरबाजों पर, जिन्होंने जम्मू का माहौल खराब करने का सोचा होगा, इन पर कोई कार्रवाई होगी या कश्मीर की तरह यहां पर भी इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और भटके हुए युवा बता दिए जाएंगे। आपके मन में जम्मू के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा होगा और यह सवाल जहन में आना अनिवार्य भी है, क्योंकि ये वो असामाजिक तत्व हैं जो कश्मीर से आकर जम्मू में भी माहौल खराब करना चाहते हैं। आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को अपनी पत्थरबाजी से इन तत्वों ने उग्र रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया। आज सवाल उन मुस्लिम भाइयों पर भी है जिनके बीच यह जम्मू में रहते हैं, क्या आप इन्हें जम्मू को भी कश्मीर जैसा बनाने देंगे? क्योंकि सिर्फ भाईचारे की बात कर देने से ही यह तत्व पराजित नहीं होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए उन तत्वों को भी यह जान लेना चाहिए कि जम्मू हमेशा से जिस भाईचारे के लिए जाना जाता है, उसे यहाँ के मुस्लिम भी टूटने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, हिंदुस्तान।